चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भोजपुरी इंडस्ट्री में सनसनी ही मचा दिया है। उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की है। सुपरस्टार पवन सिंह को बीजेपी में शामिल होने पर बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान ने उन्हें विश किया। जी हाँ, सलमान खान ने पवन सिंह को फोन करके बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी है और सलमान खान ने कहा है कि मोदी जी के मिशन को पवन सिंह बढ़ाने में मदद करें। सलमान खान ने साथ ही साथ कहा है कि मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान को बिहार यूपी के गांव को जन जन पहुंचाने में पवन सिंह मदद करे। अभिनेता से नेता बने पवन सिंह ने कहा है कि मैं मोदी जी का बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूं, उनकी वजह से ही मैं इस राजनीति में आया हूं। मैं राजनीति में विधायक या सांसद बनने की हैसियत से नहीं आया हूं। आपको बता दें कि सोमवार को भाजपा कार्यालय में सुपरस्टार पवन सिंह ने पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के साथ साथ बिहारी प्रमुख भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने सुपरस्टार पवन सिंह को भगवा गमछा ओढ़कर उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर सुपरस्टार पवन सिंह ने कहा कि वो पार्टी में नेता बनने की चाहत से नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता की हैसियत से वो आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं करे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 25 सालों से गाना गा रहा हूं, साथ ही साथ मैं भोजपुरी फिल्मों में करीब 10 साल से एक्टिंग भी कर रहा हूं। राजनीति में तो मैं भी नया नया ही भर्ती हूं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर मोदी जी मुझे झाड़ू लगाने को बोलेंगे तो मैं झाड़ू भी लगाऊंगा। आपको बता दें कि पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाते हैं। उन्होंने अपनी पहली भोजपुरी फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, जो कि बहुत बड़ी हिट साबित रही थी। आपको बता दें कि पवन सिंह कई भोजपुरी फिल्में हिट दे चुके हैं। अपनी गायकी से अलग मुकाम हासिल करने वाला पवन सिंह का गाना लगावेलू जब लिपस्टिक पार्टी का सबसे बड़ा थीम सॉन्ग है। लगावेलू जब लिपस्टिक के अलावा पवन सिंह ने कई दूसरे भोजपुरी गाने काफी ज्यादा हिट दिए हैं।